नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, श्रीलंका को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है। दिवालिया श्रीलंका ने विदेशी कर्ज पर अब हाथ खड़े कर दिए हैं और कई देशों का पैसा अब डूब गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से देशों के पैसे हैं जो कि श्रीलंका में लगे हुए थे और अब वे डूब गए हैं। दरअसल दोस्तों, एफपी के मुताबिक श्रीलंका पर करीब 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान चीन का होगा क्योंकि उसी ने श्रीलंका को सबसे ज्यादा कर्ज दे रखा है। दोस्तों, श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज में चीन की हिस्सेदारी करीब 10% है। चीन के बाद जापान और भारत का श्रीलंका पर सबसे ज्यादा कर्ज है। श्रीलंका ने अपने कुल कर्ज 47% डेट बाजार से लिया है। वहीं देश के कुल लोन में चीन का कर्ज 15% के आसपास है। देश पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का 13%, वर्ल्ड बैंक का 10%, जापान का 10% और भारत का 2% कर्ज है। दोस्तों, आपके इस जानकारी के लिए बता दें, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के अंत तक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 2 अरब डॉलर था, जो पिछले 2 महीने के आयात के खर्च से भी कम है। विदेशी मुद्रा भंडार के कम होने से सरकार ने आयात पर पाबंदी लगा दी है। इससे देश में फ्यूल, मिल्क पाउडर जैसी जरूरी चीजों की कमी हो गई है और लोग सड़क पर आ गए हैं। महंगाई दोहरे अंकों में पहुंच गई है। दोस्तों, श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर अली सबरी का कहना था कि फ्यूल और दवाओं की सप्लाई को सुचारू करने और इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करने के लिए श्रीलंका को अगले 6 महीने में लगभग $3 बिलियन की आवश्यकता है। वहीं दोस्तों, 2.2 करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका में पिछले कई महीनों से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। देश में जरूरी चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। विदेशी मुद्रा की भारी कमी के कारण पेट्रोल डीजल का आयात नहीं हो पा रहा है। कई घंटों तक बिजली गुल रहती है, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। यहां तक कि दोस्तों, गुस्साए प्रदर्शनकारी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर दबाव बढ़ता जा रहा है। देश की संसद के स्पीकर ने हाल ही में कहा था कि देश के लोगों की भूखों मरने की नौबत आ गई है। श्रीलंका ने चीन से अपने कर्ज को रिशेड्यूल करने की अपील की थी, लेकिन चीन ने इससे साफ इनकार कर दिया। चीन के कर्ज में फंसे कई दूसरे देशों की भी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। इसमें पाकिस्तान, मेडागास्कर, मालदीव और तंजिकिस्तान शामिल है। इसके अलावा कई ईस्ट अफ्रीकन देश भी है जो कि चीन के कर्ज जाल में दबे हुए हैं। दोस्तों, वैसे आपको श्रीलंका को क्या सलाह होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस तरीके की खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।